हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विजा समंजन क्षमता, या इसे हम नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, चित्र से हम समझेंगे। हमें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो केवल आपको इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर एक आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सबसे नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है, आपको वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समंजन क्षमता, यहाँ पे हमने क्या लिखा है भैया, समंजन क्षमता, और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। अभी आप देख रहे होंगे तो परिभाषा आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा शायद, ठीक है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से मैं परिभाषा याद ही नहीं कराऊंगा आपको। परिभाषा फिगर यदि समझ लिया तो वहीं से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिगर भैया क्या है। तो सबसे पहले मैं एक नेत्र का फिगर बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक नेत्र का मैंने एक फिगर बनाया, ये क्या है, एक नेत्र का फिगर है, एक हम नेत्र का चित्र बना ले रहे हैं, ठीक है। उतना अच्छा नहीं, बट कोशिश अपने तरफ से पूरा किया जाएगा कि जैसे भी हो बन जाए, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एक नेत्र है, ठीक है, और ये क्या है, आगे का भाग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेत्र में क्या होता है, मुख्यतः हमें जानना है कि नेत्र में होता है नेत्र लेंस। सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे नेत्र लेंस बना दिया, ये है नेत्र लेंस, जो क्या होता है मांसपेशियों द्वारा ये पकड़ा गया होता है। यहाँ पे मैं मांसपेशियों बना दे रहा हूं, ये मांसपेशियों द्वारा इसको पकड़ा गया है, ठीक है, किसको भैया, नेत्र लेंस को। और यहाँ पे क्या होता है भैया, रेटिना होता है, रेटिना जहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और ये क्या है, नेत्र लेंस है, ठीक है, जिसकी जिसको क्या किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो यहां से जब प्रकाश किरणें कैसे हमें दिखाई देती हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां से प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार यहां से प्रकाश किरणें गई और दोनों के साइड पर नेत्र लेंस के किनारों पर टकराती हैं, और उसके बाद ये तुरंत क्या हो जाती है, रेटिना पर जाकर ये दोनों बिंदु मिलती हैं। तब हमें क्या मिलता है, वास्तविक, मतलब अच्छे से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब यदि इस प्रकार हो तो उसको कोई भी दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष है ना दूर दृष्टि दोष। परंतु यदि मान लेते हैं कोई वस्तु है दूर, ठीक है, तो दूर से जब प्रकाश किरणें जाएंगी तो यहां पर जाएंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जाएंगी तो यहां पर जाएंगी, ठीक है। तो दूर जब जा रही है तो ये तो नेत्र लेंस से टकरा ही नहीं रही है, ठीक है, जब नेत्र लेंस से टकराएंगी नहीं तो इनका जो क्या होगा, इनसे जब प्रकाश किरणें जाएंगी, इसी कलर से मैं लिखूं, तो ये दोनों क्या मिलेंगी, यहां पे मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब रेटिना पर बनती तब ना क्या होता है, उसको सब कुछ अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता, परंतु ये रेटिना से आगे बन गई है, मतलब रेटिना से देखिए पीछे बन गई है, तो इसका मतलब कि इसको क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। परंतु मान लेते हैं यहाँ पे पास की वस्तुएं हैं, ठीक है, पास वस्तु हो, अब यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये यहां पे चली जा रही है और ये यहां पर, ठीक है, तो ये भी दोनों किनारों पे तो मिली नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये दोनों यहीं पे मिल जाएंगे। मतलब देखिए रे, रेटिना पर नहीं बन रहे हैं, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, दोनों दोनों बिंदु मिल जा रहे हैं, दोनों किरणें, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नेत्र लेंस है, ये जो नेत्र लेंस है ये क्या करता है, तो नेत्र लेंस क्या करता है भैया, इसको समय के अनुसार कभी बढ़ा देता है, मांसपेशियां क्या करती है, इसको बढ़ा देती है और कभी घटा देती है, मतलब नेत्र लेंस को परिवर्तित कर देती है, ठीक है, कभी इसके आकार को बढ़ा देगी, कभी आकार को घटा देगी, कब बढ़ाएगी और कब घटाएगी, कि जब वस्तु यदि दूर रहेगा, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि देखिए क्या बन रहा है, थोड़ा सा किरणें क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, जब वस्तु दूर होगा तो नेत्र लेंस को बढ़ा देगा, और जब क्या होगा, वस्तु पास होगा तो नेत्र लेंस को छोटा कर देगा कि इतने आकार के आ जाए कि रेटिना पर जाकर बने, समझ रहे हैं ना। तब वास्तु का क्या होगा, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा, जिससे क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि समय के अनुसार नेत्र लेंस की क्या करता है, जो फोकस दूरी होती है उसको बढ़ा देता है और घटा देता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब कभी बढ़ा देगा, ठीक है, कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। तो यही तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है, समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि नेत्र की वह क्षमता,
नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करके परिवर्तित मतलब बढ़ाकर या घटाकर क्या किया जाता है, दूर व पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जिससे हमें क्या करते हैं भैया कि दूर को दूर हो या पास की वस्तुओं हो उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब यहाँ पे बनेगा तभी तो स्पष्ट दिखाई देगा ना, तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हो तो उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है। तो आप यहीं से कह सकते हैं ना, आप कह सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके अर्थात बढ़ाकर या घटाकर क्या किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर व नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे, डेफिनेशन को कभी भी समझ गए होंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर स्पष्ट रूप से हमें देखना ही तो है वस्तु को ना। तो हम कह सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके निकट या दूर की वस्तुओं को मतलब पास या नजदीक की वस्तुओं को नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो उस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो मैं एक बार अंत में यहीं से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। आप लिखेंगे कि नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर तथा पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो उस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन और इसका फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले, अब मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके लिए भैया एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं क्लास टेंथ का आपको पढ़ाई करना है या क्लास ट्वेल्थ का, तो आप लिखिए इस नंबर पे कि क्लास टेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, और व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कर देना है। आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अंत में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।